आयुष्मान कार्ड यानी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कार्ड का एक कार्ड हमारी सरकार ने जारी किया है, जिससे अस्पताल में जाकर के 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में आप करा सकते हो। उस कार्ड में अब हमने अंत्योदय योजना के तहत ऐसे सभी कार्ड धारकों को जो लाल राशन कार्ड अथवा 2 लाख से कम आय वाले परिवार हैं उनको इस कार्ड से हम संतृप्त कराने वाले हैं। कुछ दिन बाद सर्वे शुरू होगा हॉस्पिटल के, हमारे सरकारी अस्पताल के विभाग की ओर से, और घर घर जाकर के सर्वे करेंगे। जिनका कार्ड नहीं बना है उनको कार्ड बनवा कर उनको 5 लाख रुपए की एक साल इलाज की सुविधा देने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये ऐसी योजना किस काम की कि पहले हम पैसा लगाएं और फिर पैसा वापस मिले। ये इसलिए किया सरकार ने कि पहले पैसा लेकर के आप लोगों ने खाद बीज को ना लेकर के पैसे को अपने ऊपर खर्च कर लिया और इसकी रिपोर्टिंग हुई। अभी एक गांव है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ 8 क्विंटल चना खरीदा गया सोसाइटी, और उस गांव में 8 किलो चने की फसल मुझे नजर नहीं आई। बताइए किसानों ने वो चना कहाँ किया, या तो सोसाइटी और किसान ने मिलकर उसका बंदरबांट कर लिया। हम सुविधा आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप सरकारी कर्मचारियों के बीच में बातों में आकर के कि अगर उसने आपको 10-25 रुपए भी दे दिए तो आप दस्तखत कर देते हैं। ये काम हमारे किसानों को नहीं करना चाहिए। योजना का लाभ आपके लिए है, उनको तो हम सरकार की ओर से तनख्वाह दे ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने तो ये कि हमें काम नहीं करने जाना पड़े, प्रधान जी जॉब कार्ड में हाजिरी भर देंगे, 50 रुपया दे देते हैं, प्रसन्न हो आप। लेकिन काम कौन करेगा, प्रधान जी फिर मशीन से काम करा लेंगे। लेकिन आप काम प्रधान के साथ मिलकर के जब दिन भर मेहनत करेंगे तो आपको वही पैसा पूरा मिलेगा। मेरा अनुरोध है, ये योजनाएं आपकी हैं, हम आपको चाहते हैं गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, हम चाहते हैं आपकी आमदनी परिवार में बढ़ जाए, आपके बच्चे पढ़ने लिखने जाएं। ये सारी सुविधाएं सरकार ने जो दी हैं आपके लिए हैं, निश्चित रूप से आप योजनाओं का लाभ उठाइए। इस सरकार से कोई शिकायत हो तो भी आप लोग कहिए, लिखकर भेजिए, विधायक से शिकायत हो, किसी कलेक्टर SP से पुलिस की शिकायत हो लिखकर भेजिए, निश्चित रूप से आपकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होती है। मेरा प्रयास रहता है कि जहां मैं कहूं वहां पहुंचूं जरूर, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक परिवार का व्यक्ति तो हूं नहीं, जो कुछ भी हूं आप लोगों की कृपा दृष्टि से इस पद तक पहुंचा हूं, आप सबके आशीर्वाद से पहुंचा हूं। घर में खेती का काम होता है, अपने हाथ से हर बैल मैंने चलाए हैं, फसल काटी है, गेहूं चना की फसल खुद बोई है और काटी भी है ये। और किसान की समस्या, किसान का बेटा नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, आप लोग बताओ। इसलिए मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं कि हमारा किसान किसी तरह से परेशान नहीं हो, उसका शोषण नहीं हो, कोई दबंग उसकी जमीन पर कब्जा नहीं करे। देखिए, प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार हो रहा है। हमने गुंडे बदमाश दबंगों को ठीक करने के लिए टास्क फोर्स बनाया, और किसी भी तरह से कोई बदमाश अब किसी आदमी को सता नहीं पाएगा, कोई भी उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा, ना खाली प्लॉट पर कब्जा कर पाएगा। इसके लिए हमने चिन्हीकरण करते हुए भूमाफियाओं को भी चिन्हित किया है और उन पर कार्रवाई कराने का काम किया है। हाँ, एक बात ज़रूर मैं अपने किसानों से बीच में जाके कहता हूँ गाँव में बार बार कि हम लोगों को छोटी मोटी शिकायतों के लिए थाने कचहरी पर नहीं जाना चाहिए। अब मेड़ की घास काट लिया और ऊपर हो लड़ पड़े, या हल चला के मेड़ को तोड़ दिया और इसको लेकर हम थाने में पहुंच जाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। मेड़ पर बेरी का पेड़ खड़ा है, किसी पड़ोसी ने झगड़ा काट लिया, उसको केवल पिटवाने की दृष्टि से हम थाने पहुँच जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। पड़ोस में हम झाड़ू लगा रहे हैं और कूड़ा दूसरे के घर की तरफ कर दिया और आपस में लड़ बैठते हैं, ये ठीक बात नहीं है। बच्चों की लड़ाई पर बड़े लोग लड़ जाते हैं। इन छोटी छोटी शिकायतों पर थाने पर हमको नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर में बैठ के सामंजस्य बना के पंचायत के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हम पुलिस को इतना मौका ही ना दें कि वो दोनों पक्षों को थाने बुलाए। मेरा जहाँ तक ये सोच है, पुलिस के व्यवहार में भारी परिवर्तन आया है, पुलिस काफ़ी कुछ ठीक कर रही है। गुंडे बदमाश तो डर रहे हैं पुलिस से, क्योंकि पुलिस का खौफ, अगर वर्दी का खौफ गुंडे बदमाशों में नहीं रहेगा तो कानून व्यवस्था बेमानी हो जाएगी। इसलिए हमारा सीधा है, किसी भी गरीब आदमी को, सज्जन आदमी को कोई दवा चपा ना सके, कोई बदमाश परेशान ना कर सके और उस पर कोई अनावश्यक रूप से दबाव ना बना सके,
इसकी व्यवस्था हमने थाने वगैरह में की है कि थानेदार उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग करें, जाकर के उनके क्षेत्रों में भ्रमण करें और चौपाल लगाकर ग्रामीणों के बीच में बैठ के उनसे वार्ता भी करें। ये सारे काम पुलिस को सौंपे गए हैं और पुलिस इस तरह से काम कर भी रही है और न्याय के प्रति, सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है और कानून व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन